दोस्तों, आपका एम एस चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब ने बहुत ही मेरे को सराहा, बहुत ही धन्यवाद दिया और मेरे फेवर की बात की। तो इससे ये है कि एक तो आदमी मार्केटिंग करता है और एक आदमी अपने परिवार की तरह समझता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरे परिवार को कि मुझे अपना सदस्य समझते हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कल से जो वीडियो बनाई है। काफ़ी लोगों ने, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं फेमस हूँ या उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ असली मकसद होता है कि जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे साथ में जो दिक्कत आई है वो उनके साथ में ना आए, क्योंकि किसी भी युग में पहले टाइम था, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, तब भी दिक्कत थी, अब भी दिक्कत है कि जब आदमी किसी समस्या में फंस जाता है तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई क्लू चाहिए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो मेरा वही होता है कि जो अनुभव मेरे पास है मैं लोगों को बांटूं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन आज के टाइम में जो मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, तो उनसे थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये जो कलर की वीडियो बनाई थी, ये दिखाया था आपको मैंने, ये डाइंग वाला कलर है, इसके अंदर सूखा कलर डाल रखा मैंने, डाइंग वाला। तो एक दो लोगों का कहना था कि आपने जो ये हाथ की सफाई दिखाई है कि इसके अंदर ये पिंकी यानी पोटेशियम परमैंगनेट है और आपने रंग काट यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट के पानी में बना के और हमें बेवकूफ़ बनाया है, तो ऐसी हाथ की सफाई तो हम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना कोई मैं मार्केटिंग करता हूँ, ना मैं किसी सामान को किसी को ख़रीदने या बेचने के लिए बाध्य करता हूँ। मेरा काम होता है सिर्फ जो नॉलेज है, जो मैं यूज़ करता हूँ, उसको बताना, और बाकी कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं होता कि मैं कहीं कमीशन एजेंट या इस टाइप के काम करता हूँ, क्योंकि करप्शन से बहुत दूर। मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं मुझे जानते हैं कि ये इस टाइप के लोगों से मेरी नहीं बनती। तो फिर मैं उनके गलतफहमी दूर करने के लिए आज आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि ये कलर है। तो एक मिनट, इसमें पानी लेता हूँ, पानी नीचे से लेता हूँ, बाल्टी में रखा हुआ। ये पानी लिया मैंने और इसके अंदर मैं ये ब्लू कलर डालूँगा। जैसे ब्लू कलर डाला, डालते के साथ ही क्योंकि स्टैंड नहीं है मेरे पास यहाँ पे, और इसके बाद मैं एक कपड़ा लेके, ये ऑफ वाइट कपड़ा है, ऑफ वाइट है, हल्का सा पीले कलर का, मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ। ये कपड़ा हमारा नीले कलर का हो गया है हल्का, क्योंकि जितनी देर हम इसको होता गया, डाइंग का मतलब होता है जितनी देर हम इसको कलर के अंदर रखेंगे उतना ये डार्क होता चला जाएगा। अब ये हल्का सा ब्लू हो गया है। तो अब हमें करना क्या है कि ये पानी लेता हूँ मैं, साफ पानी, ये साफ पानी है बिल्कुल, आप देखिए साफ पानी है बिल्कुल प्योर। तो इसके अंदर मैं इसको डालता हूँ,
इसको डालूँगा तो ये कलर बिल्कुल वाइट ही है, हल्का सा ये निकला है कलर इसमें। लेकिन जब इसके अंदर हम केमिकल डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। अभी आपको दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट, वो दिखाता हूँ जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो मैं लैब के अंदर करता हूँ वो एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। कि जो ये हमने पानी लिया था ब्लू वाला पानी, आपको मैं एक्सपेरिमेंट दूसरे टाइप से दिखाता हूँ। तो हमने ये इसके अंदर ले लिया, इसके अंदर पानी लिया ये, और इसके अंदर मैं डालूँगा ये केमिकल, ये केमिकल डाला और थोड़ा सा ये केमिकल डाला है, और इसको चला दिया। इसके बाद मैं इसमें ये केमिकल और डालता हूँ थोड़ा। अब क्या है कि जो हमारे कपड़े के ऊपर कलर चढ़ जाता है वो कलर सारा निकल जाएगा, क्योंकि कच्चे कलर के ऊपर अगर हम बिल्कुल कच्चा कलर है और उसको वॉश करते हैं तो कलर निकलने लगता है, वो कलर नहीं निकलता इस केमिकल से। ये केमिकल है, इससे कलर बिल्कुल नहीं निकलता। ये एक फिक्सर है, कहते हैं कि फिक्सर का बाप समझो इसको, ये कलर नहीं निकलने देता। और ये जो केमिकल है, ये केमिकल जितना भी कपड़े के ऊपर, एक कपड़े से दूसरे कपड़े के ऊपर कोई भी कलर चढ़ जाए उसको इमीडिएट बिना रगड़े सिर्फ आप डिप करके छोड़ दें कपड़े को, या मशीन में चलाएं, मशीन में चलाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा वो डालता हूँ, तो ये होगा क्या कि जितना भी हमारा कलर है वो कलर हमारा इकट्ठा होके, मतलब पानी में नहीं घुलेगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद ये जितना भी है ये वापस आ जाएगा, यानी पानी अलग हो जाएगा, पानी अलग। तो मैं इसको अभी इसी कपड़े में छान लेता हूँ। इस कपड़े को ऊपर रखा और इसको मैं छान देता हूँ इसमें। पानी हमारा बिल्कुल साफ धो दिया है, लेकिन ये इसके ऊपर जो कलर था हमारा, ये इसके ऊपर आ चुका है, ये सारा कलर हमारा ये आ चुका है इसके ऊपर। ये देखो, ये एक तरह का ये बॉल टाइप हो गई, जैसे बॉल हो जाता, बॉल की तरह हो गया है कि क्योंकि जैसे जैसे हम